सेल्सियो का कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो विषय लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं आइसक्रीम डी फ्रीजर। ये विषय मैं आपको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारा जो की प्रोडक्ट है वो है आइसक्रीम, और आइसक्रीम बेचने के लिए क्या चाहिए? डी फ्रीजर। हर दुकानदार को डी फ्रीजर चाहिए, और दुकानदार जब कोई नया दुकानदार स्टार्टअप करता है आइसक्रीम के साथ, तो उसकी जीवन की जमा पूंजी का एक बहुत बड़ा निवेश डी फ्रीजर में जाता है। तो मैं आज आपको इस विषय के बारे में विस्तार से बताऊंगा, डी फ्रीजर किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, कैसा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आज का विषय हमारा डीप फ्रीजर, क्लियर है? अभी मैं आपको डीप फ्रीजर का इतिहास बताता हूँ। 2002 में जब मैं क्वालिटी वॉल्स में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन था, 2002 में कैसे फ्रीजर आते थे, 2002 में हमने देखा एक फ्रीजर आता था रिलायंस कंपनी का, रिलायंस कंपनी का डिफ्रीजर होता था, और उसको लोहे वाला सफ़ेद हाथी बोलते थे। सफ़ेद हाथी इसलिए बोलते थे कि वो बिजली, मतलब कि आज वाले डिफ्रीजर तो बिजली सूंघते हैं। अगर मैं 2002 की बात करूं, 2002 को 2018 से कंपेयर करूं, तो आज वाले जो डिफ्रीजर हैं वो टेक्नोलॉजी वाइज इतने एडवांस हो गए हैं कि वो बिजली को पीते नहीं, सूंघते हैं। पहले वाले जो डिफ्रीजर होते थे वो ओक लगा के बिजली पीते थे, उनकी लंबे लंबे फ्रीजर होते थे, लोहे के फ्रीजर होते थे, उनका कंप्रेसर आज वाले डिफ्रीजर से 4 गुना बड़ा होता था। आज वाले तो छोटे छोटे चाइनीज कंप्रेसर आ रहे हैं, उनके कंप्रेसर बहुत हैवी होते थे, बड़े होते थे, उनका जो कंडेंसर है बहुत बड़ा होता था। और डिफ्रीजर ऐसे होते थे, उनको बोलते थे 5.5 CFT, 7.5 CFT, आजकल तो हम लिटरेज में बोलते हैं, पहले जो है वो CFT में काउंट करते थे, CFT, और आजकल करते हैं लीटर में कैपेसिटी। तो मेरे को याद है जो 9.5 CFT का फ्रीज था, फ्रीज इतने बढ़िया थे मटर के अंदर, तो अगर आपने उसको एक हफ्ता भी अगर नहीं चलाया ना मटर में, सफल मटर उसमें डाल दिया, अगर एक हफ्ता भी लाइट नहीं है तो आपका मटर हिलेगा नहीं। एक तो मटर अपने आप के अंदर कूलिंग होती है, फिर उन फ्रिजों की जो दीवारों पे जो आइस आती थी बहुत मोटी आती थी। तो बदलाव आया, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, तो अब लोगों को उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ना स्टार्ट हो गया। तो वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कभी भी याद रखना, मार्केट में कोई आविष्कार होगा तभी होगा जब उसकी आवश्यकता होगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये आज जो भी मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, वो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट पे हो रही है। मानवता, जीव, मतलब लोग क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका सोल्यूशन आता है। तो 2002 में लोहे वाली मशीनें थी, बिजली खूब पीती थी। अब आवश्यकता पड़ी कि आइसक्रीम की मार्केट का विस्तार होना था, तो उनको एक ऐसी मशीनें चाहिए थी जो वैल्यू में कम हो, जिसकी मार्केट में रेट कम हो, उसको हर दुकानदार बाय कर सके, खरीद सके, और बिजली कम पीती हो, और रखने के लिए स्पेस भी कम ले। लोहे वाली मशीनें जो होती थी वजन में बहुत भारी होती थी, 4 आदमी मिलकर तो उसको हिलाते थे क्योंकि पूरा लोहा होता था। आज वाले जो डिफ्रीजर है अगर हम कंपैरिजन करें तो वो प्लास्टिक बॉडी में है। अब प्लास्टिक के वजन का और लोहे के वजन का कितना फर्क है? आज वाले जो फ्रीजर हैं उनके क्या पहिए लगे हुए हैं नीचे, उसको आप आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हो। पहले वाले एंगल होती थी, अगर उसको सरका दिया तो फर्श भी साथ फटता जाएगा, मतलब इतने हैवी फ्रीजर होते थे। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस समय में एक खासियत थी कि उस समय जो मशीनें होती थी उनकी जो पुरानी जो चीज़ होती है ना, कभी भी आप देखो पुरानी चीज़ ऐसी होती है, दादा ले पोता बरते, कैसी होती है? दादा ले और पोता बरते, मतलब अगर आपने फ्रिज ले लिया तो आपको उसमें 15 साल 20 साल देखने की ज़रूरत नहीं है। बिजली तो वो पिएगा, रिपेयरिंग तो वो मांगेगा, लेकिन उसमें इंटरनल लीकेज नहीं आएगी।
अब उसको थोड़ा टेक्निकल समझना पड़ेगा कि उस जमाने में ऐसा क्या होता था कि फ्रिजों में इंटरनल लीकेज नहीं आती थी और आज वाली जो मशीनें हैं वो 2-3 साल में खराब हो जाती हैं, इन्वेस्टमेंट भी खराब हो जाती है, माल भी खराब हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर का माल खराब हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ व्यवहार खराब होता है। रिटेलर कहता है जी वो आप अपना माल बदल के दो, कंपनी कहती है हमारे पास बजट नहीं है इतना, हम पूरी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, हम 10-20% हम कर देंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भुगत ले कुछ रिटेलर भुगत ले, मतलब हम उसके दुकानदार से रिलेशन खराब ना हो उसके तरीके ढूंढते हैं। लेकिन अगर पुरानी मशीनें देखें तो पुरानी मशीनें अगर हम टेक्निकली जाएं तो वो कॉपर में होती थी, कॉपर समझते हो, तांबा का, उसकी जो पाइपिंग होती थी, जो आपका डिफ्रीजर है, ये जो आपका डिफ्रीजर है इसकी बॉडी जो है इसमें पाइपें होती हैं ऐसे, ठीक है, ये कूलिंग कॉइल्स होती हैं फ्रिज की दीवार के अंदर, जो रेफ्रिजरेटर को फ्रीजर को कूलिंग देती है। अब क्या काम किया, कंपटीशन का जमाना है, सस्ते का जमाना है, पहले तो खुद को लेना पड़ता था, अब कंपनियां क्या करने लगी, खुद फ्रिज रखने लगी, और खुद फ्रिज रखने लगी तो वो फैक्ट्री वाले जो थे, फ्रिज मैन्युफैक्चर थे, उनसे बार्गेनिंग करने लगी, भाई मैं आपकी 50,000 मशीन इकट्ठी उठाऊंगा, आप मेरे को क्या रेट दोगे, कॉस्ट कटिंग पे बात आ गई। तो कॉस्ट कटिंग पे जब बात आ गई तो उन्होंने क्या किया कि इसको तांबे की बजाय आयरन में, लोहे में, ये पाइपें लोहे की बना दी, पहले क्या था तांबा, अब क्या बन गया 2010 से लोहा। अब एक चीज बताइए कि सारा काम इसका पानी का है, कूलिंग कोयल पे पसीना भी आता होगा, कंप्रेसर से आपने कई बार देखा कंप्रेसर से पानी भी निकलता है एसी से, तो लोहा जल्दी जंग खा जाएगा, कॉपर का कुछ बिगड़ना नहीं। तो यही कारण रहा कि जब कंपटीशन आया, कॉस्ट कटिंग की बात आई, तो वो कूलिंग कोयल जो है पाइपों को डैमेज करने लगी, जो कूलिंग है वो लोहे पे जंग लगाने लगी, और जंग लगाने के बाद उसमें इंटरनल लीकेज आने लगी, इंटरनल लीकेज आने के बाद मिस्त्री आता, गैस डालता, 2-3 महीने वो ठीक रहती, फिर वो एसिड कूलिंग छोड़ जाती। तो लोगों को मतलब कि फ्रिज सस्ते तो मिलने लग गए, लेकिन वो अंदर से क्या थे, लोहे के पाइप वाले थे, और लोहे के पाइप की जो मियाद है आप उसको पानी में डाल के छोड़ दो, उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो अपने आप धीरे धीरे डीमक लग के खत्म हो जाएगा। तो 2010 से 2000 लगभग मेरे को याद है 2010 से 2015 तक ये सिलसिला चला। अब ये तो है नहीं कि 2010 में कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हुई हैं आयरन के पाइप में, तो रिजल्ट भी 2011 में आ जाएगा, 3 साल तो कम से कम चीज चलेगी। मतलब चाइना ने क्या साजिश की, अब वो कहते हैं ना चाइनीज माल है, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग वहीं से हो रही है, चाइना ने मशीन तो बना दी, वो डब्बा तो बना दिया, लेकिन जो उसकी लाइफ थी उससे छेड़छाड़ होगी, जिस फ्रीजर की लाइफ 20 साल की थी उस फ्रीजर की लाइफ अब 3 से 5 साल पे आ गई। 2010 में ये चीजें आई तो इसका रिजल्ट कब आना था, 2014-15 में। अब 2014-15 में लोगों की जो पूंजी है वो खत्म होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि उसने मशीन खरीदी इस विजन से कि 10-15 साल मेरे को देखना नहीं पड़ेगा, और तीसरे ही साल उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। प्रॉब्लम भी ऐसी, अब पाइप होती है वो इनबिल्ड होती है बॉडी में, उसको फ्रिज को पाड़ भी नहीं सकते, दीवारों को भी पाड़ के अंदर टाका लगा दें, और टाका लगाएं तो मान लो एक जगह लगा दिया दूसरी जगह कैसे करोगे। तो लोगों को 2015 तक समझ में आ गया कि लोहे वाले फ्रिज खरीदने की का कोई फायदा नहीं है। आज भी कुछ कंपनियां हैं जो आयरन में बना रही हैं, कुछ कंपनियां हैं जो कॉपर में बना रही है, लेकिन दोनों की मशीनों के रेट में फर्क है। अब जो चीज आप एक सीलिंग फैन लगा लो घर में, हर घर में पंखा होता है, एक तो पंखा आ जाता है 500 रुपए का, उसकी जो तारे हैं आप देखो वो कॉपर कोटेड होती है, कॉपर नहीं होती, होती आयरन है, कॉपर कोटेड होती है, उसके ऊपर एक कोट चढ़ाया होता है, और एक होते हैं पंखा आपने कॉपर में लिया, पहले वाले सीलिंग फैन आप देखते थे दादा आजम के जमाने के जो छत वाले पंखे थे 40-40 साल चलते थे, इतने भारी भारी,
पता नहीं उनको याद भी नहीं होगा कभी उन्होंने उसमें ग्रीस भी कराया या बैरिंग डलवाया। और आज वाले पंखे ले आओ, सेम चीज पंखे के अंदर भी है जो डिफ्रीजर वाली है। जो चीज कॉपर में चल रही है उसको आप आयरन में लेके जाओगे तो आयरन की मियाद कम है, वो चीज जल्दी खराब होगी। और इससे क्या होने लगा कि चीज जल्दी खराब होने लगी तो कस्टमर दोबारा जाएगा, फैक्ट्री वालों की सेल बढ़ गई। लेकिन वो कहते हैं ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, किसी चीज मार्केट में लॉन्च हुई है उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। अब अभी भी काफी लोग हैं जो जाते हैं, कहते हैं भाई साहब दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं, कॉपर वाला भी एक जैसा है और लोहे की पाइपिंग वाला भी एक जैसा है, कस्टमर को तो दोनों एक सा दिखेगा। वो कहेगा जी आप ये लोहे वाला ले लो, वो बताएगा भी नहीं क्योंकि वो टेक्निकली इलिटरेट है। टेक्निकली कई लोग होते हैं ना पढ़े लिखे होते हैं, कई लोग टेक्निकली इलिटरेट का मतलब है कि पढ़ा लिखा बेवकूफ या उसको उस विषय की जानकारी ना होना। मतलब कि हजारों हजारों लाखों विषय हैं दुनिया में, जरूरी नहीं है कि मैं क्वालिफाइड हूं तो मेरे को उस विषय की जानकारी हो। एक आदमी फ्रिज खरीदने गया, उसमें लोहे की पाइप है, इसमें तांबे की पाइप है, लेकिन उसको पता ही नहीं है, उसको तो दिखने में दोनों डिफ्रीजर लग रहे हैं। ये भी 500 लीटर का है, ये भी 500 लीटर का है, दिखने में ये भी सफेद है, वो भी सफेद है, उसके भी खूबसूरत हैंडल लगे हुए हैं, उसके भी लगे हुए हैं, उसमें भी वही कंट्रोलर या सिस्टम दे रखा है। लेकिन ये वही बात हो जाती है कि बहुत तो सुनी है पर एक आंख से कानी है, उसका रिजल्ट उसको आगे जाके पता लगेगा। जो लोग इस चीज के भुगत भोगी हैं वो आगे जब मशीन परचेज करेंगे तो वो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से कि सर मशीन तांबे की है कि नहीं है, अंदर से पाइपिंग जो है कॉपर की है कि नहीं है, पंखा आपका जल गया, मैं सस्ते के चक्कर में पड़ गया था, चाइनीज पंखा लिया आया वो 6 महीने में चढ़ गया, तो अगली बार पूछोगे भाई साहब पंखा चाहिए मेरे को 1200 वाला दे दो लेकिन कॉपर में दे दो, पैसा किसका खराब हो रहा है, रिटेलर का ही हो रहा है ना। तो इस विषय को लेना मैंने इसलिए सही समझा कि उसके फ्रिज के साथ साथ हमारी आइसक्रीम का फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है, फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अब उसका फ्रिज खराब होगा, आइसक्रीम श्रिंक हो जाएगी, वो लालच करेगा यार ये खराब हो गई, फिर भी उसको कोशिश करेगा निकालने की, निकालेगा तो हमने हमारी कंपनी ने इतना बढ़िया टेस्ट बनाया है, लेकिन प्रोडक्ट अगर मेल्ट हो गया श्रिंक हो गया तो उसके सारे जो चीज़ें हैं जो उसमें डली हुई हैं वो सब अलग अलग हो जाएंगी, SMP अलग हो जाएगा, मक्खन उसका क्रीम अलग हो जाएगी, उसकी चीनी अलग हो जाएगी, उसमें चॉकलेट अलग हो जाएगी, वो टेस्टलेस हो जाएगा। तो नुकसान आइसक्रीम इंडस्ट्री का भी है अगर फ्रीज प्रॉपर कूलिंग नहीं देते हैं तो आपको ये फर्क समझ में आ गया। आप जब भी मान लो कि कई बार क्या है कि कस्टमर कहाँ फंसता है रेट के कंपैरिजन में, अब ये जो मशीन होगी ये आपको मान लो लगभग लगभग 25,000 रुपए में मिल जाएगी। अब इसमें कॉपर है तो कुछ तो डिफरेंस होगा, ये मशीन लगभग लगभग आपको 28,000 रुपए में मिलेगी। अब यहाँ फर्क कितना है, सिर्फ 3,000 रुपए का, लेकिन इसकी जो लाइफ रहेगी वो लगभग 12 से 15 साल रहेगी, इसकी जो लाइफ रहेगी लगभग 3 से 5 साल रहेगी, कंपनी की वारंटी इसमें भी लगभग 1 से 2 साल की होती है और इसमें भी लगभग 1 से 2 साल की होती है। कंपनी का तो दोनों प्रोडक्ट में पिंडा छूट रहा है, कंपनी के लिए तो ना तो ये क्लेम कर सकता क्योंकि इसमें इंटरनल लीकेज कब आएगी, 4-5 साल में, जब जंग लगेगा अंदर से मशीन में, जब पाइप लीक होने स्टार्ट होंगे, और इसमें आएगी नहीं 12 साल। तो हम जब भी मार्केट में डिफ्रीजर लेने जाएं तो ध्यान रखें कि वो कॉपर बॉडी में है या नहीं है अंदर से। अब मैं आपको रेकमेंड जो मैं करता हूँ डिफ्रीजर, मेरे को आइसक्रीम लाइन में 12 साल हो गए हैं और सेल्स लाइन में लगभग 18 से 20 साल हो गए, तो मेरी जो पर्सनल रेकमेंडेशन है, मैंने जो बदलाव देखा है फ्रीजर में अपने 20 साल के करियर में, मेरी जो है मैं प्रेफर करता हूँ रॉकवेल के ग्रीन वाले फ्रीजर को। एक रॉकवेल कंपनी है, सबसे पहली बात तो है वो स्वदेशी है, उसका जो भी रेवेन्यू है वो इंडिया में ही जा रहा है, हैदराबाद की कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है, ये नहीं है कि हमें कोई मतलब कि दूसरी कंपनी का खरीद रहे हैं प्रोडक्ट और उसका पैसा बाहर जा रहा है कमाई, कम से कम अपने देश के जो भाई हैं उन्हीं के पास ही पैसा जा रहा है। प्रोडक्ट कितना अच्छा है देखो मैं आपको बताता हूँ,
ये जो फ्रीजर आप देख रहे हो ग्रीन वाला फ्रीजर, अब कंपनी ने क्या किया है कि सबसे पहले तो इसको कॉपर में बनाया है। सबसे पहला फायदा क्या है? तांबा पाइपिंग। इसके जो अंदर की पाइपिंग है वो सारी कॉपर में है। कंपनी खुद कह रही है कि 12 साल तो कंपनी कह रही है भी 12 साल आपको दूसरी फ्रिज नहीं खरीदना पड़ेगा, हमारी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 12 साल की है डीफ्रीजर की। अच्छी बात है। नंबर दो, कंपनी ने क्या किया है कि जो इसका पफ है इसके अंदर क्या डाल दिया? पफ, और वो भी डाल दिया 90 mm। पहले जो डीफ्रीजर आते थे तो पफ का मतलब होता है उसका पैनल, मतलब जो उसकी जिसमें पाइपें डलती है ना उसकी जो मोटाई होती है, पहले मान लो इतनी थी तो कंपनी ने उसको अब इतना कर दिया, लगभग डबल कर दिया। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जैसे आपने मिल्टन की बोतल देखी होगी, थर्मस में ठंडा पानी डालो अगले 24 घंटे तक ठंडा रहेगा, और गर्म डालोगे तो गर्म रहेगा। अब कंपनी ने वही टेक्नोलॉजी इसके अंदर कर दी, इसको पूरी बॉडी को पफ डाल दिया, जैसे कोल्ड रूम का पैनल होता है ना, मोटे मोटे कोल्ड रूम होता है, कोल्ड रूम की दीवारें देखी हैं, उतनी मोटी मोटी तो इसकी दीवारें बना दी और इसके अंदर पफ डाल दिया। अब वो पफ क्या काम करता है कि आइसक्रीम का खुद का एक टेम्परेचर होता है, -20 पे होती है, -17 पे हम प्रिजर्व करते हैं, -25 पे भी आती है सप्लाई। जो आइसक्रीम या जो डीफ्रीजर से रिलेटेड प्रोडक्ट, मटर है, मकैन है या और कोई फ्रेंच फ्राइज है, कुछ भी है, उसका अपना टेम्परेचर टूटने नहीं देगी। पहले क्या थी कि मशीन में पफिंग कम होती थी तो जो कंडेंसर है वो मशीन में बाहर से हीट करती थी तो वो अंदर वाले आइसक्रीम का टेम्परेचर भी उसमें फर्क पड़ता था। अब इन्होंने पफिंग बढ़ा दी तो जो कंडेंसर की हीटिंग है बॉडी के अंदर, जो पहले मशीनें हीट होती थी, अब वो हीट होना बंद हो गई। तो अब कंपनी दावा करती है कि 10 से 15 घंटे जो आइसक्रीम पहले लाइट जाने के बाद 3 से 4 घंटे बाद मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती थी, अब कंपनी दावा करती है कि 10 से 15 घंटे अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो आपकी आइसक्रीम मेल्ट नहीं होगी। और मैंने इसका खुद भी एक उदाहरण देखा है, मेरे तोसांग में एक रिटेलर है देसराज हलवाई, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, हमने उनको सिक्योरिटी में फ्रिज दिया था तोसांग। तो मैं जब उनके पास गया ऑर्डरिंग के लिए अपने रूटीन से, तो उन्होंने बताया भाई साहब आपका फ्रिज बहुत बढ़िया है। मैं जी ऐसा क्या हो गया? बोला मेरे यहाँ पे कल ट्रांसफार्मर खराब हो गया, लाइट नहीं थी, मेरे पास एक सिंपल फ्रिज था और एक आपका ये रॉकवेल का ग्रीन वाला फ्रिज था। अब मेरी लाइट 24 घंटे नहीं थी, मैंने क्या किया, मैं भगवान के ऊपर छोड़ दिया, दोनों फ्रीजर को बंद करके छोड़ दिया, अभी सुबह देखूंगा क्या होगा। तो उसने देखा जो उसके वाला फ्रिज था उसकी आइसक्रीम मेल्ट हो गई है, और जो हमारे वाला फ्रिज था वो एज इट इज पड़ी है। जैसे कि मिल्टन की बोतल में पानी डाला आपने एक दिन पहले, अगले दिन भी पियोगे तो ठंडा ही निकलेगा, या गर्म डाला तो गर्म। तो मतलब कि मेरे को कॉन्फिडेंस वहाँ से आया भी, जब कंपनी ने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होगी प्रोडक्ट पे, कंपनी रॉकवेल को ही क्यों रेकमेंड कर रही है? मदर डेयरी इतना बड़ा ब्रांड है, ग्रुप है, वो रॉकवेल के ग्रीन फ्रीजर क्यों दे रहा है मार्केट में? क्योंकि उससे उसके प्रोडक्ट की जो सेल की एफिशिएंसी है बढ़ती है, माल कम मेल्ट होता है, जहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है वहाँ पे वो फ्रिज जाते हैं। मतलब ये फ्रिज तो ऐसा है अगर आपके रात रात को भी लाइट आ गई तो आप दिन में भी आइसक्रीम सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पहले जो 3 घंटे में मेल्ट होती थी अब वो 10 से 15 घंटे में होने लगी। अब नंबर 3 पे क्या, 3 हो गया, नंबर 4 पे क्या आता है? नंबर 4 पे आता है इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। अभी क्या होता है इसको थोड़ा टेक्निकली समझना पड़ेगा, ये बिजली जो है और फ्रिजों से 55% कम खाता है। एवरेज में पहले जो डीफ्रीजर होते थे वो तो 200 रुपए की बिजली भी एक दिन में पी जाते थे, 2002 की बात करूँ। आजकल के जो फ्रिज है स्टैंडर्ड जो फ्रीजर है वो लगभग 20 से 25 रुपए की लाइट एक दिन में खाते हैं, जो सिंपल फ्रीजर है। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कह रही है कि ये 53% लेस, मतलब कि
इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, मतलब कि अगर 25 की खाता है तो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी 14-15 रुपए की लाइट खाएगा एक दिन में। और वो कैसे खाता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि इसमें डिफ्रीजर के अंदर कुछ सेंसर लगे होते हैं, सेंसर मतलब कि हमारे आइसक्रीम को कितना टेम्परेचर चाहिए, -17, और फ्रिज का टेम्परेचर जाता है 25 से 30 तक। -25 से जाते ही फ्रिज क्या हो जाता है, कंप्रेसर कट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी लेना बंद कर देता है। फ्रिज का एक ब्रेन होता है, मतलब सेंसर होता है, वो सेंस करता है भाई फ्रिज की कूलिंग अब अंदर से -25 हो गई है, कंप्रेसर को रेस्ट दे दिया जाए। और वो जो टेम्परेचर है -25 से, मान लो थोड़ी देर बाद -24 पे आ गया, -23 पे आ गया, माल बेचते रहे खोलते रहे, -22 पे आ गया, -21 पे आ गया, 20 पे आ गया, -17 पे आ गया। 17 से जैसे ही नीचे जाएगा तो इसके अंदर जो सेंसर है कंप्रेसर को दोबारा ऑन कर देगा। अब कंप्रेसर को जितना ज्यादा रेस्ट मिलेगा, जितना उसका टेम्परेचर कम टूटेगा, उतनी देर आपका कंप्रेसर क्या है, ऑफ रहा। तो इस तरीके से कंपनी दावा करती है कि 53% बिजली हमारा फ्रिज कम कंजप्ट करता है। अब फ्रिज तो ले लिया, लेकिन कई लोग क्या है कि सफेद हाथी पाल लेते हैं, बिजली का बिल तो दुकानदार को ही भरना है। मान लो कि 28,000 रुपए में कॉपर की मशीन थी, उसको मिल गई 25,000 रुपए में, 3,000 का फायदा हो गया, लेकिन उसको हर महीने बिजली के बिल में भी तो नुकसान है। इसलिए भी मैं रॉकवेल को रेकमेंड करता हूँ कि ये दुकानदारों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो लगभग अमूमन 1,000 रुपए के आसपास आता है, और दूसरी उसमें जाते हैं तो वो डबल हो जाता है, 2,500 हो जाता है एक फ्रिज का। अब कई दुकानदार तो ऐसे हैं कि उनकी सेल इतनी ज्यादा है उनको 10-10 फ्रिज भी रखने पड़ रहे हैं। अगर 2,000 के हिसाब से किसी के पास 10 फ्रिज हैं तो उसका 20,000 रुपए का बिजली का बिल हो गया, फ्रिज का, पंखे एसी तो अलग रह गए। और वही अगर ये रिप्लेस कर ले अपने 10 फ्रीजर को रॉकवेल में ग्रीन वाले में रिप्लेस कर ले तो उसका बिजली का बिल क्या है कि हर महीने 10,000 रुपए की बचत आ जाएगी। तो बिजली के बिल में बचत है, ठीक है। नंबर 5 क्या आता है, कंपनी जो कह रही है कि इसकी और कंपनियां जो दे रही है 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल की वारंटी दे रही है, ये कंपनी सबसे बढ़िया काम क्या कर रही है, क्योंकि इसको अपने फ्रीजर पे इतना कॉन्फिडेंस है, ये कस्टमर को 5 साल की वारंटी दे रही है। पांच साल तक आप कंपनी के जमाई हो। 5 साल की कैसे दे रही है, 2+3 कि कंपनी कह रही है कि 2 साल तक पूरे डिफ्रीजर में किसी भी पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कंडेंसर है, कंप्रेसर है, उसका फैन मोटर है, उसकी पाइपिंग है, उसका हैंडल है, कुछ भी होता है तो 2 साल तक हम पूरा कवर करेंगे। प्लस 3 साल किस लिए है, जो उसका कंप्रेसर है, मतलब आपको यहाँ पे बेनिफिट। जहां पे मैंने बताया कि और कंपनियों का फ्रिज 3 साल में खत्म होना स्टार्ट हो जाता था, 4th-5th साल में तो वो कबाड़ हो जाता था, 5 साल का तो आपको कंपनी का वो दे रही है, और कंपनी 12 साल का दावा कर रही है कि 12 साल मेरा फ्रिज प्रॉपर चलेगा। तो ये 5 फायदे हो गए। मैंने आपको बताया कि पहले लोहे की मशीनें आती थी, फिर कॉपर में आने लगी, अब इसमें पफ आने लग गया, ये थर्मस का काम करने लग गया फ्रिज, ठीक है, बिजली भी कम खाने लग गया, मतलब कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो स्मार्ट होती जा रही है। देखो फ्रीजर का जो है ना वो भी बता देता हूँ आपका सवाल आपने बहुत अच्छा किया है।